हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की कड़ी में हम अगली साइड लेके आए एक नया वीडियो, जिसमें हम एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एनक्लैक्स के नर्स परफॉर्मिंग एन इनिशियल एडमिशन असेसमेंट और दैट ए क्लाइंट हैज़ बीन टेकिंग मेटाक्लोप्रामाइड फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड। यानी कि क्या है कि एक पेशेंट है जिससे क्या किया जा रहा है, इनिशियल एडमिशन असेसमेंट किया जा रहा है, जिसमें क्लाइंट क्या है मेटाक्लोप्रामाइड ले रहा है, यानी कि रेगलान ड्रग ले रहा है, किसके लिए लंबे समय से लिया जा रहा है। नर्स वुड इमीडिएटली कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नर्स ने तुरंत क्या किया, डॉक्टर को कॉल किया। ऐसा कौन सा साइन सिम्टम है जो नीचे देख के इसने नोट किया होगा। पहला कह रहा है एंजाइटी और इरिटेबिलिटी को देख के। दूसरा कह रहा है एक्सेसिव ड्राइजीनेस। थर्ड वन अनकंट्रोल्ड रिदमिक मूवमेंट ऑफ फेस और लिम्स। और फोर्थ वन इज़ ड्राई माउथ रिलीव्ड बाई द यूज ऑफ शुगर फ्री हार्ड कैंडी। तो ऐसा कौन सा है इनके अंदर से जो देखते ही तुरंत क्या करेगी, नर्स जो है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। तो क्या होता है कि ये जो दवाई है, कौन सी दवाई जो हमने अभी अभी बात की, मेटाक्लोप्रामाइड, यानी कि रेगलान जो दवाई है, ये कैसी क्या कॉज करती है। तो अगर क्लाइंट को क्या हो रहा है, जैसे टार्डियोडिस्काइनेसिया का मतलब होता है कि ये क्या करती है, रिदमिक मूवमेंट करवा देती है फेस और लिम्स का, है ना। तो अगर क्या हो रहा है, मरीज को टार्डियो डिस्काइनेसिया देखने को मिल रहा है, तो क्या करना है आपने, तुरंत फिजिशियन को बताना है कि क्या हो गया, इसको एडवर्स इफेक्ट आ गए, कि क्या आ गया है एडवर्स इफेक्ट आ गया, और अब इसे को क्या नहीं किया जाएगा, रिवर्स नहीं किया जाएगा, ये रिवर्सिबल है। तो यानी कि ये जो रेगलान जो दवाई है, मेटाक्लोप्रामाइड जो दवाई है, इसका एक बहुत ही सीवियर, एक बहुत डेंजरस एडवर्स वाला साइड इफेक्ट है कि ये क्या कर देती है, ये टार्डियो डिस्काइनेसिया कर देती है, है ना। इसके अलावा मेडिकेशन जो है इसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, और फर्दर डोज जो है वो क्या है, नर्स नहीं देगी, क्योंकि यहाँ क्या हो गई है, कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी है। एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, और ड्राई माउथ जो है, ये माइल्ड साइड इफेक्ट है इसके, जो कि इतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगे मरीज़ को। तो अगर आपको ये पूछता कि माइल्ड वाला सिम्टम कौन सा है या माइल्ड साइड इफेक्ट कौन सा है, तो आप बताते कि जो है एंजाइटी, इरिटेबिलिटी या नोजी या ड्राई माउथ है, है ना, सारी की सारी बात रहती है। तो जिस भी मरीज को क्या हो, मेटाक्लोप्रामाइड चल रही है, वो क्या करती है, मेटाक्लोप्रामाइड क्या करती है, स्टिमुलेट करती है किसको, मोटिलिटी ऑफ अपर जीआई ट्रैक्ट को, जो आपकी अपर जीआई ट्रैक्ट जो होती है, अपर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है, उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देती है। तो ऐसे मरीज जिनके अंदर क्या होता है, पहले से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है, जिनको परफोरेशन हो रखा है, जिनके अंदर जीआई हेमरेज की हिस्ट्री है, ऐसे मरीज के अंदर ये दवाई क्या रहती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। कौन सी दवाई, मेटाक्लोप्रामाइड, क्या करती है, बहुत ही एक खतरनाक वाला साइड इफेक्ट करती है, और साइड इफेक्ट का नाम है टार्डियो डिस्काइनेसिया। टार्डियो डिस्काइनेसिया का मतलब होता है कि जो हमारी फेस और लिम्स है, इनका क्या होने लगता है, अब नॉर्मल मूवमेंट होने लगता है, रिदमिक टाइप का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लिनिकल सिचुएशन शुड बी व्यूड एज असॉल्ट। ऐसे कौन सी नीचे दी गई क्लिनिकल कंडीशन है जो असॉल्ट के तौर पे देखी जाएगी, ये आपने बताना है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आप किस पे देखेंगे असॉल्ट के तौर पे। पहला कह रहा था नर्स थ्रेटन टू अप्लाई रिस्ट्रेंट टू ए क्लाइंट हु इज एग्जिबिटिंग एग्रेसिव बिहेवियर। दूसरा कह रहा था क्लाइंट रिक्वेस्ट ए मेडिकल डिस्चार्ज बट द नर्स फिजिकली फोर्स द क्लाइंट टू स्टे। थर्ड वन द चार्ज नर्स सेंड एन ईमेल टू ए स्टाफ मेंबर विच इंक्लूड ए पुअर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन अबाउट अनदर पर्सन। और फोर्थ कह रहा है द नर्स ओवर हियर द क्लाइंट ओवर हियर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर making derogatory remarks to the client about the nurse's level of competency। तो यहाँ हमें क्या पूछा है कि असोल्ट के बारे में, असोल्ट का मतलब है कि किसी मरीज के ऊपर इंटेंशनली या इंटेंशनली फोर्स का शो करना, यानी कि ऐसा जो है कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है। तो जो पहला ऑप्शन कह रही है कि नर्स थ्रेटन टू अप्लाई रिस्ट्रेंट टू ए क्लाइंट, नर्स क्या कर रही है, धमकी दे रही है एक पेशेंट को कि अगर उसने अपना एग्जिबिटिंग बिहेवियर, जो अपना जो बिहेवियर शो कर रहा है एग्रेसिव वाला, अगर वो शो करना बंद नहीं किया तो वो उसको क्या कर देगी, बांध देगी। ये कंडीशन जो है ये असोल्ट को बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स फाइंड दैट क्लाइंट सिटिंग ऑन द फ्लोर। एक नर्स ने देखा कि एक क्लाइंट कहाँ बैठा है, फ्लोर के ऊपर बैठा हुआ है, सिटिंग ऑन द फ्लोर,
फ्लोर के ऊपर बैठा हुआ है, इंश्योर किया द क्लाइंट सेफ्टी और क्लाइंट की सेफ्टी के हिसाब से कंप्लीट एन इंसिडेंट रिपोर्ट, और जो है इंसिडेंट रिपोर्ट को उसको कंप्लीट करते हुए क्या किया, नोटिफाई किया हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, किसके लिए, इंसिडेंट के लिए, कि विच डज द नर्स इम्प्लीमेंट नेक्स्ट। अब जो है जब क्या कर लिया नर्स ने, एक पेशेंट को देखा कि वो फ्लोर के ऊपर बैठा है, क्लाइंट की इंश्योर, क्लाइंट जो है वो सेफ है कि नहीं है ये आपने इंश्योर कर लिया है, कंफर्म कर लिया है, आपने इंसिडेंट रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है, अब आप क्या कर रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं उस इंसिडेंट के बारे में किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। अब आपका जो है वो नेक्स्ट आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे एज ए नर्स, क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए ये आपने बताना है। पहला कह रहा है स्टेपल द इंसिडेंट रिपोर्ट इन द क्लाइंट्स मेडिकल रिपोर्ट, क्लाइंट की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर आप क्या कर देंगे, इंसिडेंट रिपोर्ट को स्टेपल करके छोड़ देंगे, है ना, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो इंसिडेंट रिपोर्ट है उसको स्टेपल करेंगे। दूसरा कह रहा है डॉक्यूमेंट द क्लाइंट्स इवेंट एंड फॉलो अप नर्सिंग एक्शन, आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे क्लाइंट इवेंट को और फॉलो अप करेंगे नर्सिंग एक्शन। तीसरा कह रहा है प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द इंसिडेंट रिपोर्ट टू द प्रोवाइडर एंड फैमिली, यानी कि आप क्या करेंगे, एक कॉपी देंगे इंसिडेंट रिपोर्ट की किसको, प्रोवाइडर को और फैमिली को। और चौथा डॉक्यूमेंट इन द क्लाइंट्स मेडिकल रिपोर्ट दैट द नर्स सेंट ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के लिए भेज दिए। तो क्या करना, आपने किसी प्रोवाइडर या घर वालों को देने की ज़रूरत नहीं है, आपने कहीं भेजने का ज़रूरत नहीं होता है, है ना। आपने क्या करना है, वो जो क्लाइंट के साथ में जो इवेंट हुआ है वो आपने क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट कर देना है ताकि वो फॉलो अप नर्सिंग एक्शन में उसको देखा जाए, है ना। तो क्या करना होता है, नर्स क्या कर डॉक्यूमेंट कर देगी, जो कम्प्लीटली इंसिडेंट है उसको लिख के छोड़ देगी, फॉलो अप के अंदर उसको जो है देखा जाए ताकि ऑब्जेक्टिवली, यानी कि जो क्लाइंट्स का रिकॉर्ड है वो क्या करे, कम्युनिकेट करने का काम आएगा क्लाइंट के डाटा को, इसलिए हेल्थ केयर टीम जो है वो उसको बाद में देख ले और हेल्थ केयर टीम जो है उस पर एक्शन ले सकी अगर कोई प्रॉब्लम रखती है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कह रहा है ए क्लाइंट हैज़ ए कोलोन रिसेक्शन, एक क्लाइंट का क्या हो गया है, कोलोन रिसेक्शन किया गया है, उसके इंटेस्टाइन को रिमूव किया गया है, ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वाज इन प्लेस व्हेन ए रेगुलर डाइट वाज ब्रॉट टू द क्लाइंट्स होम, क्या कर दी गई है उसकी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेस की गई है और इन प्लेस व्हेन ए रेगुलर डाइट वाज ब्रॉट टू द क्लाइंट रूम, और अब क्या किया है उसकी जो रूम है उसके रूम में उसका रेगुलर डाइट प्लान के हिसाब से जो डाइट है वो लेके आई गई है। द क्लाइंट डिड नॉट वांट टू ईट सॉलिड फूड, क्लाइंट सॉलिड फूड नहीं खाना चाहता है, एंड आस्क दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर बी कॉल्ड, और पूछ रहा है कि डॉक्टर को बुला दो। द नर्स इंसिस्टेड दैट द सॉलिड फूड वाज द करेक्ट डाइट, नर्स उसको समझा रही है कि तुम्हारे लिए सॉलिड फूड जो है वो करेक्ट डाइट है, तुम्हारी अच्छी डाइट है। द क्लाइंट एट एंड सब्सिक्वेंटली हैड एडिशनल सर्जरी एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मरीज ने खा लिया और कहीं ना कहीं उसको क्या लगातार कहीं जरूरत किसके पड़ गई, कोई दूसरी सर्जरी के बारे में, यानी कि जो उसका कॉम्प्लिकेशन निकलेगा रिजल्ट के तौर पे उसकी कोई एडिशनल सर्जरी करनी पड़ी। द डिटर्मिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस इज बेस्ड ऑन विच प्रीमिस, प्रीमिस यानी कि इस डिटर्मिनेशन के आधार पे ये कौन से टाइप का नेग्लिजेंस बनता है ये आपको बताना है ना। द डिटर्मिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस इन दिस सिचुएशन इज बेस्ड ऑन, जो नेग्लिजेंस है इसके बेस पे ये किसके आधार पे बनेगा। पहला कह रहा है द नर्स नर्सेज परसिस्टेंट, नर्स के आधार पे ए ड्यूटी एग्जिस्टेड एंड इट वाज ब्रीच, ड्यूटी जी और ये उसको संभावित था। नोट नोटिफाइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई नहीं किया इस बात पे बनेगा। द डाइटरी डिपार्टमेंट सेंडिंग द रॉन्ग फूड, जो डाइटरी डिपार्टमेंट है उसने फूड क्या किया है गलत भेज दिया है इस बात पे बनेगा। तो क्या है आंसर, क्या होगा, तो आंसर है कि जो ड्यूटी एग्जिस्टेड एंड इट वाज ब्रीच, ये क्या था, एक ड्यूटी एग्जिस्टेड था और ये होना ही था क्योंकि ये सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन था जो डेवलप होना ही था, तो ये इस बात को डिपेंड करता है, यानी कि नेग्लिजेंस जो है वो प्रूव की जाएगी कि ये क्या थी, ड्यूटी थी, और ब्रीच ऑफ ड्यूटी यानी कि ये इंजरी का कारण था, है ना, कि होना ही था
ऐसा संभावित था कि ये कॉम्प्लिकेशन है, और कॉम्प्लिकेशन क्या होना है, डेवलप होना ही है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ राइट रहता है, बी ऑप्शन कि ए ड्यूटी एग्जिस्टेड एंड इट वाज ब्रीच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद इंट्रोसेप्शन। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, क्लाइंट इंट्रोसेप्शन के साथ में है। ड्यूरिंग केयर द चाइल्ड पासेस ए नॉर्मल ब्राउन स्टूल। केयर के दौरान चाइल्ड ने एक नॉर्मल ब्राउन स्टूल पास आउट कर लिया। द एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज सो। इस बात पे अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, नोट द चाइल्ड फिजिकल सिम्टम। बच्चे के फिजिकल सिम्टम नोट करने आपने लिखने हैं। प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन, बच्चे को हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन के लिए तैयार करके रखना है। प्रिपेयर द चाइल्ड एंड पेरेंट्स फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्जरी, बच्चे को और पेरेंट्स को तैयार करना है कि कहीं ना कहीं सर्जरी की संभावना है। और रिपोर्ट द पासेज ऑफ ए नॉर्मल ब्राउन स्टूल टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, रिपोर्ट करना है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कि बच्चे ने क्या कर लिया है, नॉर्मल ब्राउन स्टूल पास आउट कर लिया है। तो हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे ने ब्राउन इंट्रोसेप्शन था और उसके बाद उसने क्या कर लिया है, पास, नॉर्मल ब्राउन स्टूल पास कर लिया है। इसका मतलब बच्चे का अभी आपने क्या करना है, सिर्फ डॉक्टर को बताना है कि हमने जो उसके लिए सर्जरी परफॉर्म करनी थी, उसके लिए जो एक्शन लेना था वो लेने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या हो गया है, वो जो इंट्रोसेप्शन था, इंट्रोसेप्शन का मतलब क्या होता है, इंट्रोसेप्शन का मतलब होता है कि जो हमारा इंटेस्टाइन का एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट में क्या हो जाता है, टेलीस्कोप हो जाता है, यानी कि घुस जाता है। और ऐसा होने से वहाँ क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिससे जो है स्टूल आगे की तरफ पास नहीं हो पाता है और एक जगह इकट्ठा होता है। और इस वजह से क्या बन जाता है, इस पेशेंट के अंदर कार्डिनल साइन रहता है कि वहाँ कुरांट जेली लाइक स्टूल देखने मिलता है। कैसा स्टूल? कुरांट जेली लाइक स्टूल। और उस स्टूल के अंदर क्या हो सकता है, ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ब्लड और म्यूकस हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर क्या हो गया, उस बच्चे ने क्या कर लिया, नॉर्मल ब्राउन स्टूल पास आउट कर लिया है, इसका मतलब इंट्रोसेप्शन क्या हो गया है, अपने आप से ही रिड्यूस हो गया है। और आप क्या कर देंगे, इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे किसको, फिजिशियन को, कि हमें क्या है, जो हमने अल्टर डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक प्लान ऑफ केयर चूज़ किया था वो अब और ज़रूरत नहीं है। हाइड्रो रिडक्शन है या सर्जरी जो है वो अभी नेसेसरी नहीं है। हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन और सर्जरी अभी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है, और जो है बच्चे की फिजिकल सिम्टम भी नोट करने का ज़रूरत नहीं है आपको अभी, है ना। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एंड स्टेज किडनी फेलियर। नर्स क्या कर रही है, क्लाइंट का केयर कर रही है, और क्लाइंट किसके साथ में है, एंड स्टेज रेनल फेलियर के साथ में है। इज आस्क्ड बाय द फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर के द्वारा पूछा जा रहा है अबाउट एडवांस डायरेक्टिव, एडवांस डायरेक्टिव के बारे में। विच स्टेटमेंट शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन डिस्कसिंग एडवांस डायरेक्टिव, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो नर्स को इंक्लूड करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए एडवांस डायरेक्टिव के अंदर विद द क्लाइंट्स फैमिली मेंबर, क्लाइंट के फैमिली मेंबर के साथ में। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पहला ऑप्शन है टू विटनेस आइदर ए रिलेटिव, टू विटनेस सॉरी पहला ऑप्शन है ए हेल्थ केयर प्रॉक्सी कैन राइट ए लिविंग विल फॉर ए क्लाइंट इफ द क्लाइंट बिकम इनकॉम्पिटेंट एंड अनेबल टू डू सो। यानी कि क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर लिख रहा है राइट ए लिविंग विल, लिविंग विल के अंदर फॉर ए क्लाइंट इफ़ द क्लाइंट बिकम इनकॉम्पिटेंट एंड अनेबल टू डू सो, और वो कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। टू विटनेसेस दो गवाह, आइदर ए रिलेटिव और हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसका रिलेटिव और हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर नीडेड व्हेन द क्लाइंट साइन ए लिविंग विल, जब क्लाइंट साइन कर रहा है क्या लिविंग विल। लिविंग विल यानी कि ये लिविंग विल जो होता है ये एडवांस डायरेक्टिव को बोला जाता है। एडवांस डायरेक्टिव का मतलब होता है कि जो जैसे पेशेंट जो होते हैं, पेशेंट कौन से, जो पेशेंट जैसे काफ़ी ऐसे कह सकते हो आपकी पुअर ख़राब कंडीशन होती है जिनकी, जो पेशेंट जो है ससेप्टिबिलिटी टू डेथ होता है, तो उन पेशेंट्स के लिए पहले क्या किया जाता है, उनका जो है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी और वो ऐसा कुछ तैयार करवाया जाता है। तो वो जो है उसके लिए उसको क्या है, ये जो लिविंग विल जो होता है वो हर साल टू साल, है ना, ईयर टू ईयर क्या होता रहता है, चेंज होता है, हर ईयर क्या है नया बनता है ना। तो वो जो है वो पहले से ही बना दिया जाता है और पहले से उसकी पूरी डिस्कस डिटेल बता दी जाती है कि कैसी कैसी उसकी कंडीशन है, ये सारा डिटेल में डिस्कस बता दिया जाता है।
तो उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ। यहाँ कहा गया है कि दो विटनेस होंगे, आदर रिलेटिव और हेल्थ केयर नीडेड व्हेन क्लाइंट साइन है लिविंग विल। वो लिविंग विल को साइन करेगा तो दो जने होने चाहिए, उसका रिलेटिव और डॉक्टर। तीसरा कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीजनल कैपेसिटी। आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि डिसीजनल कैपेसिटी ऑफ ए क्लाइंट इज यूजुअली मेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड फैमिली, उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर और फैमिली के द्वारा। चौथा कह रहा है लिविंग विल आर रिटन डॉक्यूमेंट। लिविंग विल जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट है दैट डायरेक्ट ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द क्लाइंट विशेज, जो क्या है क्लाइंट की विशेज के साथ में डायरेक्ट ट्रीटमेंट को शो करेगा इन इवेंट ऑफ ए टर्मिनल इलनेस और कॉर्डिनेस। इसके अलावा अंडर द पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट PSDA, ये किसके अंदर आता है, पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट के अंदर आता है। और इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन द क्लाइंट रिकॉर्ड, ये क्लाइंट के रिकॉर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट करना जरूरी होता है। वेदर द क्लाइंट हैज साइन एन एडवांस डायरेक्टिव, जब क्या कर देता है पेशेंट साइन कर देता है एडवांस डायरेक्टिव को। और नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर एडवांस डायरेक्टिव टू बी एनफोर्सेबल, एडवांस डायरेक्टिव के लिए जो है एडवांस डायरेक्टिव नो एनफोर्सेबल द क्लाइंट मस्ट बी लीगली इनकॉम्पिटेंट, क्लाइंट जो है वो लीगली क्या है इनकॉम्पिटेंट और लैक डिसीजन कैपेसिटी, और मरीज के अंदर क्या है कम डिसीजनल कैपेसिटी है टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन बनाने के लिए। तो यहाँ क्या क्या होगा, तो जब लिविंग विल बनाएंगे तो इसमें जो है यानी कि जो एडवांस डायरेक्टिव है उस एडवांस डायरेक्टिव को आपने कैसे कैसे जो है डिस्कस आप कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है नर्स इंक्लूड करेगी जब डिस्कस कर रही है एडवांस डायरेक्टिव को, किसके साथ क्लाइंट्स के फैमिली मेंबर के साथ, तो कैसे कैसे करना है। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीजनल कैपेसिटी ऑफ ए क्लाइंट इज यूजुअली मेड बाय द फिजिशियन एंड फैमिली। आपने क्या करना है, एक तो क्या करना है डिटरमाइन करना है डिसीजनल कैपेसिटी को क्लाइंट की, यूजुअली सामान्यतः जो क्या बनाई गई है फिजिशियन और फैमिली के द्वारा बनाई गई है ना, जो किसने बनाई है फिजिशियन और फैमिली ने बनाई हुई है। तो एक तो ऑप्शन, एक तो अपना आंसर ये हो जाएगा है ना, तीन नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा एक अपना आंसर क्या है, लिविंग विल आर रिटन डॉक्यूमेंट दैट है ना, लिविंग विल आर रिटन डॉक्यूमेंट दैट डायरेक्ट ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद ए क्लाइंट्स विशेज इन द इवेंट ऑफ टर्मिनल इलनेस और कंडीशन, पेशेंट की टर्मिनल इलनेस और कंडीशन के आधार पर जो लिविंग विल जो है रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये बात सही है ना, पेशेंट की कंडीशन के आधार पे। तो एक आपका तीन नंबर है, दूसरा आपका चार नंबर है, इसके अलावा पांच नंबर अंडर द पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट, पेशेंट की ये क्या है सेल्फ, सही बात है पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट के अंदर आता है PSDA के अंदर, और डॉक्यूमेंट किया जाता है क्लाइंट के रिकॉर्ड के अंदर जब क्या कर दिया जाता है पेशेंट के द्वारा साइन कर दिया जाता है एडवांस डायरेक्टिव। और एडवांस डायरेक्टिव जो है ये एनफोर्सेबल मस्ट बी लीगली इनकॉम्पिटेंट है और लैक ऑफ डिसीजनल कैपेसिटी, तो आपने क्या करना है डिसीजन रिगार्डिंग हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, तो ये सारी की सारी बातें जो है इसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट आस्क द नर्स हाउ टू बिकम एन ऑर्गन डोनर। एक क्लाइंट पूछ रहा है नर्स को कि वो कैसे एक ऑर्गन डोनर बन सकता है, ऑर्गन डोनर कैसे बन सकता है। विच डज द नर्स इंक्लूड इन द इन क्लाइंट टीचिंग, नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा है जो आप इंक्लूड करेंगे क्लाइंट की टीचिंग के अंदर। पहला कह रहा है क्लाइंट कैन डोनेट बाय रिटन कंसेंट, क्लाइंट डोनेट करता है कर सकता है रिटन कंसेंट के द्वारा। दूसरा कह रहा है फैमिली मेंबर मस्ट विटनेस द कंसेंट, आपका फैमिली मेंबर जो है वो आपका अवश्य ही क्या होना चाहिए विटनेस होना चाहिए कंसेंट के लिए। तीसरा कह रहा है डोनर मस्ट बी ओल्डर देन 21 ईयर ऑफ एज, डोनर जो है वो 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। चौथा कह रहा है फैमिली मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट व्हेन ए क्लाइंट कंसेंट टू ऑर्गन डोनेशन, क्लाइंट जो है वो ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसेंट कर रहा है साइन कर रहा है तो उस दौरान उसका फैमिली मेंबर कोई ना कोई साथ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन इजी रही क्योंकि कंसेंट के लिए फैमिली मेंबर का ज़रूरत नहीं होता है, ना ही तो साथ में होने की और ना ही उनके साइन करवाने की ज़रूरत पड़ती है हमें। डोनर के लिए 21 साल का एज नहीं है, डोनेशन के लिए 18 साल के बाद आप जो है वो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। आप 18 साल के बाद में आप जो है वो मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योरिटी आने के बाद आप जो है वो अपनी सेल्फ डिसीजन पे आप कर सकते हैं, तो 21 साल का नहीं है 18 साल का रूल रहता है। और डोनेट करने के लिए आपको रिटन कंसेंट जो है वो ज़रूरी होगा, तो ये सारी की सारी बात जो है ये ऑप्शन जो है वो आपका सही रहता है कि आपने क्या करना है अपना जो खुद का ऑर्गन जो है वो डोनेट करना है किसी को ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो उस दौरान आपने क्या करना है ऑर्गन डोनेशन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा। आपको 18 साल या उससे जब भी आप ज़्यादा हो जाते हैं 18 से ज़्यादा आप कभी भी क्या कर सकते हैं बिना किसी दूसरे पर्सन की परमिशन के, बिना किसी फैमिली पर्सन के प्रेजेंस के आप अपना क्या कर सकते हैं रिटर्न कंसेंट साइन कर सकते हैं ऑर्गन डोनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड नर्स RN इज प्रोवाइडिंग पोस्ट मॉर्टम केयर।
एक आरएन नर्स है, एक रजिस्टर्ड नर्स है, क्या कर रही है, केयर दे रही है पेशेंट को, कैसी केयर है, पोस्टमार्टम केयर है फॉर ए डिसीज क्लाइंट हुज आईज विल बी डोनेटेड। एक मरीज़ है जिसको पोस्टमार्टम केयर दी जा रही है एक रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा। ऐसा क्यों, क्लाइंट ने क्या किया गया है, आईज डोनेट की हुई है। विच नर्सिंग डज द नर्स एंटिसिपेट विल मोस्ट लाइकली बी प्रिस्क्राइब, ऐसा कौन सा नर्सिंग एक्शन है जो नर्स एंटिसिपेट करेगी जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिस्क्राइब करना, दैट विल प्रोवाइड साउंड केयर ऑफ द क्लाइंट्स बॉडी, जो पेशेंट की बॉडी के लिए उसको केयर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्या है ये आपने बताना। क्लोजिंग द आई एंड प्लेसिंग द बेड फ्लैट, उसने वो क्या करेगी, आई को बेड को क्या कर देगी, फ्लैट कर देगी और आई क्लोज कर देते हैं। मेंटेनिंग द क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजिशन, क्लाइंट को सुपाइन पोजिशन में मेंटेन करना है। प्लेसिंग गोज बेड वेट विद सेलाइन कवर्ड बाई ए स्मॉल पीस स्मॉल आइस पैक ऑन द आईज, पेशेंट की आईज जो है उन आईज के ऊपर क्या कर देगी, वेट करके एक क्या कर दिया जाएगा, सेलाइन कवर सेलाइन गोज रख दिया जाएगा या गोज पैड जो है वो वेट करेंगे हम सेलाइन के साथ में और कवर कर दिया जाएगा आईज को। और चौथा कह रहा है प्लेसिंग द क्लाइंट इन लेटरल रिकम्बेंट पोजिशन रोटेटिंग राइट एंड लेफ्ट, और पेशेंट को आप राइट और लेफ्ट रोटेट करते हुए उसको लेटा दिया जाएगा। तो पोजिशन का यहाँ कोई इशू नहीं है, पेशेंट की डेथ हो चुकी है, पोस्टमार्टम केयर है, आई डोनेट करनी है पेशेंट की, हमने तो आँखों से मतलब है, तो पोजिशन का कोई यहाँ रोल नहीं है, ना ही तो आपको बेड फ्लैट रखना होता है, ना ही उसको कोई सुपाइन पोजिशन की कहानी है, ना ही कोई लेटरल रिकम्बेंट पोजिशन का यहाँ इशू रहता है। तो यहाँ इशू क्या है, तो यहाँ आपने क्या करना होता है, उसकी आईज़ के ऊपर क्या कर देते हैं, वेट करके गोज पीस रख दिया जाता है विद दी नॉर्मल सलाइन, ऐसा है ना। और उसके बाद आप क्या कर लेते हैं, 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर क्या कर दी जाती है, आईज़ को निकाल लेना होता है ना, जो आईज़ को निकालने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम ई न्यूक्लिएशन कहते हैं, है ना। जब भी हम आई डोनेट करते हैं और आई को निकाली जाती है तो आई को बाहर निकालना क्या कहलाता है, ई न्यूक्लिएशन कहलाता है। तो 2 से 4 घंटे का टाइम रहता है आईज़ को ई न्यूक्लिएट करने का, और इसके साथ साथ जो कॉर्निया है वो क्या है, हमारा ट्रांसप्लांटेबल पार्ट है, तो कॉर्निया जो है वो क्या कर देना चाहिए, ट्रांसप्लांट कर देना होता है विद इन 24 to 48 आवर। नेक्स्ट पेशेंट जिसको भी आपने क्या करना है, आईज़ को ट्रांसप्लांट कर रहे हो उसको 24 to 48 आवर के अंदर अंदर आपने क्या कर देना होता है, ट्रांसप्लांट कर देना होता है। और जो है पेशेंट का हेड ऑफ बेड जो है ये एलिवेट करके रखा जा सकता है, फ्लैट का यहाँ कोई बड़ा रोल नहीं होता है, एलिवेट करके रख सकते हो आप, है ना, जिससे आई जो है वो क्या बनी रहेगी, क्लोज बनी रहेगी, है ना, इस पर्पज ऑफ व्यू में आप उसको क्या करके रखते हैं, एलिवेट करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लिनिकल नर्स मैनेजर कंडक्ट एन इन सर्विस एजुकेशनल सेशन फॉर द स्टाफ नर्स अबाउट केस मैनेजमेंट। एक क्लिनिकल नर्स है, क्लिनिकल नर्स मैनेजर कंडक्ट कर रही है एक इन सर्विस एजुकेशनल सेशन फॉर द स्टाफ नर्सेज अबाउट केस मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट के बारे में। द क्लिनिकल नर्स मैनेजर डिटरमाइन दैट ए रिव्यू ऑफ द मटेरियल नीड टू बी डन, क्लिनिकल नर्स जो है ना उसने क्या किया, प्रोमिस किया है स्टेटेड बाई द स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स को बता रही है रिगार्डिंग केस मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट के बारे में कि रिगार्डिंग केस मैनेजमेंट शुड नेसेसिएट ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग, कि केस के बारे में और उनको क्या क्या ज़रूरी है और उनको कैसे कैसे वो एज वो आगे टीच करेगी। मैनेज क्लाइंट केयर बाय मैनेजिंग द क्लाइंट्स केयर इन्वायरमेंट, मैनेज करेगी क्लाइंट क्लाइंट को और केयर इन्वायरमेंट को। मैक्सिमाइज हॉस्पिटलाइज रिवेन्यू वाइल प्रोवाइडिंग फॉर ऑप्टिमल क्लाइंट केयर, हॉस्पिटल रिवेन्यूज बढ़ाए जाए ताकि मरीज़ को क्या किया जाए, ऑप्टिमल क्लाइंट केयर मिले। रिप्रेजेंट ए प्राइमरी हेल्थ प्रिवेंशन फोकस मैनेजमेंट बाई ए सिंगल केस मैनेजर इज डिज़ाइन, और नेक्स्ट कहता है इज डिज़ाइन टू प्रोमोट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो क्या है, आपने क्या करना होता है, मरीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, उसको प्राइमरी हेल्थ प्रिवेंशन देनी होती है, फोकस करना होता है मैनेज करने के लिए सिंगल केस मैनेजर के द्वारा। एक सिंगल केस मैनेजर क्या करे, फोकस करे मरीज़ के ऊपर और उसको रिप्रेजेंट करे कि प्राइमरी हेल्थ प्रिवेंशन किया जा सके।